अस्सलाम वालेकुम जी, ट्विन सिटीज के चैनल पे उसामा परवेज की तरफ से आपको खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए जी। तो तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ अपनी बुकिंग्स की, हम पे अपना ट्रस्ट किया और अपनी बुकिंग्स को हमारे साथ किया। तो उन तमाम भाइयों का शुक्रिया। उनमें से ज़्यादातर मेरे भाई जो हैं वो लाहौर से, और उनसे भी ज़्यादा मेरे भाई जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानीज हैं। तो उन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ ये सफ़र में हमारे साथ चले। और उसके अलावा भी जिन भाइयों ने लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी बुकिंग्स की हैं, उन तमाम भाइयों का भी बहुत शुक्रिया। आप सब भाइयों को मुबारकबाद हो। और वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि बहुत से भाइयों का एक गिला रहा है कि हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस की है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग प्राइस उन्होंने ख़त्म करके अब दोबारा से लॉन्चिंग प्राइस पे आ चुके हैं लाहौर स्मार्ट सिटी। तो बहुत से भाइयों का जी गिला रहा है, तो उन भाइयों से तो पहले माजरत। और दूसरा ये कि आप हमारे चैनल पे थोड़ा अपडेट रहिए, ज्वाइन कीजिए, इसको देखते रहिए, ताकि मज़ीद आने वाले जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी लॉन्चिंग्स हो रही है, आप टाइमली उसको अवेल कर सकें और उसको आप तक वो सारी चीज़ें पहुँच सकें टाइमली। तो अच्छा, तो एक ख़ास बात जो बहुत सी क्वेरीज आ रही थी लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, इसमें बहुत से लोगों ने एक कॉमन क्यूरी थी जो पूछी है, वो क्यूरी ये थी कि क्या जो भाई जो ओवरसीज़ नहीं है, जितने भी भाई जो ओवरसीज़ नहीं है, जिनके पास ओवरसीज़ कार्ड नहीं है, क्या वो ओवरसीज़ ब्लॉक में अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं? तो जी, ऐसा है कि बुकिंग के लिए तो कोई इशू नहीं है, बुकिंग तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में जब सोसाइटी की बैलेटिंग अनाउंस होती है या जब बैलेटिंग में 50% करके पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें वो लोग ही फैसिलिटेट होंगे सोसाइटी की तरफ से, जिन लोगों के पास अपना ओवरसीज़ कार्ड होगा या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होंगे, जिनका रेजिडेंस एड्रेस जो है वो ओवरसीज़ होगा। तो जी, फिर अब इस बात से ये चीज़ क्लियर होती है कि सोसाइटी की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी ही ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉग्स बनाने का मकसद ये था कि जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो इसमें ये है कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बुक तो हो जाएगा, लेकिन उन भाइयों को प्रॉब्लम्स या इशूज़ तब फेस करने पड़ेंगे जब बैलेटिंग होती है, तो उसमें प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो ओवरसीज़ होंगे, तो वहाँ पर फिर उनको कुछ इशूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो एग्जेक्टिव में ही रहें, एग्जेक्टिव में ही बुकिंग करें, ताकि कल को वो जो इशूज़ हैं या वो प्रॉब्लम्स होंगे या प्रॉब्लम ना भी हो, तो अगर उनको फैसिलिटेट ना किया गया तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो उससे ये है कि टाइमली आप बच सकें, और इसमें यह है कि एक नई टेंशन आप अपने साथ ना ले लें जी। तो अगेन तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज क्लाइंट्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। और एक बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्टेबल अजीज़ हमारे डॉक्टर एहसान साहब, वेरी थैंकफुल टू यू सर। और इंशाल्लाह ताला आप मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह ताला आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ एंड सिक्योर बनाइए हमारे साथ रह के। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। और हमारे चैनल पे वही फिर से वही बात कि जो भाइयों को इस टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, वो आगे हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और जो टाइमली अपडेट्स हैं ताकि उनको मिलती रहे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं प्री लॉन्चिंग में या लॉन्चिंग में या डिस्काउंट्स आते हैं, तो वो उसको अवेल कर सकें। तो अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। आपकी दुआओं का तलबगार, अल्लाह हाफिज़।